डबरा में तीन फार्मों पर जीएसटी टीम ने एक साथ छापामार कार्रवाई की। कर चोरी का संदेह होने पर जीएसटी टीम ने दुकानों और गोदामों सहित मौजूदा स्टॉक का पूरा मिलान किया। जांच पड़ताल की ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही। जीएसटी टीम के करीब 60 लोगों की टीम एक साथ शहर पहुंची और तीन ठिकानों को तीन टीमों के रूप में छापा मारा। दरअसल टीम को यह शिकायत मिली थी कि जीएसटी की चोरी गौरी स्पेयर पार्ट्स पर की जा रही है। स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर बिना बिल के सामान की बिक्री की जा रही है। शिकायत के चलते टीम डबरा शहर के गौरी स्पेयर पार्ट्स और उसी की अन्य फार्म गौरी मोटर्स एवं हिंदुस्तान सेल्स कॉरपोरेशन फर्म पर ग्वालियर से 5 सदस्यीय जीएसटी टीम पहुंची। कार्रवाई के दौरान बिक्री बिल, स्टॉक रजिस्टर एवं जीएसटी संबंधित दस्तावेज की जांच की गई। टीम ने दस्तावेज को खंगाला और कमी पाए गए दस्तावेजों को अपने साथ ले गए। इस संबंध में जीएसटी टीम का कहना है कि अभी जांच चल रही है। तीनों फर्मों की बिक्री बिल से विक्रय नहीं किए जाने की शिकायत मिल रही थी। जीएसटी चोरी की शिकायतें मिलने के चलते कार्रवाई की है। दस्तावेजों को साथ लेकर जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एंटी एविजन ब्यूरो ग्वालियर के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। जीएसटी के अंतर्गत जांच की कार्रवाई की जा रही है। डबरा में तीन फर्मों पर ये जांच की कार्रवाई चल रही है, जिसमें आपका गौरी स्पेयर पार्ट्स एक फर्म है, दूसरा माँ गौरी मोटर्स है और तीसरा हिंदुजा सेल्स कॉरपोरेशन है। इन फर्मों में आयरन स्टील और साथ में हार्डवेयर से संबंधित काम है। अभी तक किस तरीके की कोई अनियमितताएं मिली है? ये चूंकि जांच चल रही है, अभी स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। स्टॉक जो फिजिकल स्टॉक है उसको नोट किया जा रहा है ना, व्यवसाय की ओर से उसके जो दस्तावेज हैं वो लिए जा रहे हैं और उनके मिलान करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। सर, दस्तावेजों की जांच कहां कहां घरों पर भी की जा रही है कुछ? हाँ, ये जाँच जो मुख्य व्यवसाय स्थल है, गोदाम है, इसके अलावा जो निवास स्थल है, सभी की सर्चिंग साथ की गई है। सर, शहर के अंदर और भी ऐसे कारोबारी हैं जिनके विजन पर जीएसटी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी करते हैं, तो उसके उनके खिलाफ क्या आगे? अगर इस तरीके की हमको शिकायत मिलती है या हमारी संज्ञान में कोई जानकारी आती है तो निश्चित रूप से वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। स्टील सरिया सहित लोहे के कारोबार से जुड़ी इन फर्मों पर बड़ी मात्रा में स्टॉक था। गोदामों में सामान जमकर भरा हुआ था। टीम को देख बाजार में हड़कंप सा मच गया था। विभागीय टीम फार्मों पर हर पहलू से जांच कर रही है। डबरा से भरत रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।